भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 4.5 साल का अगर कार्यकाल देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती प्रदान की है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई की बात की जाए तो महंगाई को लेकर एक आम परिवार अपना भरण पोषण करना काफ़ी उसे मुश्किल हो रहा है। कोविड काल की वजह से बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी के साथ काफ़ी महंगाई भी बढ़ रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के संतोष जी, और इनसे बात करेंगे कि महंगाई को लेकर इनका क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश और केंद्र में बनी है वो केवल इन्हीं मुद्दों को लेकर बनी है। जब ये लोग विपक्ष में थे तो ये लोग महंगाई रोकने की बात करते थे, जब ये लोग विपक्ष में थे तो ये लोग अत्याचार लूटपाट को रोकने की बात करते थे, लेकिन जब से ये लोग सत्ता में आए हैं ना तो इन पर महंगाई रुक रही है, ना इन पर लूटपाट रुक रही है, ना इन पर अत्याचार रुक रहा है और ना ही इन पर रोजगार पैदा हुए हैं। आप लोग देख रहे हो भलीभांति महंगाई चरम सीमा पर है। गैस सिलेंडर के दाम 900 रुपये के आसपास हो गए हैं, पेट्रोल 100+ हो गया है, डीजल 100+ हो गया है। ये इनकी कहानी है, इनके पास देश और प्रदेश चलाने के लिए कोई भी नीति नहीं है। ये केवल हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर देश को चला सकते हैं, देश के लोगों को देश के नौजवानों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता इनको पहचान चुकी है और 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता इनको मुँह तोड़ जवाब देगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना विकास प्रदेश में हुआ उतना आज तक किसी सरकार ने विकास नहीं किया, इसलिए सभी लोग अखिलेश जी में आस्था रख रहे हैं और निश्चित ही 2022 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी। तो ये सभी का मानना ये है, और हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी मौजूद हैं जिन्होंने आज फतेहपुर सीकरी विधानसभा में साइकिल रैली में काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बीजेपी सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए जाते हैं ऐसा उनका मानना है, लेकिन जो हाल ही में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए उसमें आपने देखा कि काफ़ी महिलाओं के साथ अलग अलग शहरों से अलग अलग जिलों से तस्वीरें देखने के लिए मिली, नामांकन के दौरान चीर हरड़ जैसी घटनाएँ सामने आई, इसको लेकर क्या कहना है आपका? के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, बातें तो इतनी बढ़ के बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आपको लग रहा है कि हमारी पहले तो बेटी पढ़ भी जाएंगी तो बच का रही हैं? देखा हुआ आपने कितनी अत्याचार हो रहा है हमारी बच्चियों पर, हमारी बहन बच्चियों पर इतना दुर्दर हो रखा है, इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, क्या हमारी महिला दे गए आपने 8-8 तो 1000-1000 तक का तो इन्होंने सिलेंडर कर रखा है। भाई महिला हम हैं, हम अपनी महिला को अपना घर चलाते हैं, हमें पता है इस तरीके से आपने देखा होगा। अब तो उन्होंने ये और बोल रखा है कि बच्चे भी इनकी आजर से करेंगे, हम हमारी मर्जी इनके मर्जी से करेंगे, बच्चे एक करें या दो करें, इन लोगों का मतलब इन लोगों की इनकी ये सोच है, इनकी इतनी गंदी सोच है कि हम इनके इनसे भी पूछ कर करेंगे हम बच्चे कितने करें। अब देखिए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ताकि ये हमारा निर्णय लेके हमको क्या करना चाहिए। और रही बात, आपने भी देखा होगा कि महिला पर कितना अत्याचार आपने देखा होगा, जो भी क्या कहते हैं चुनाव हुए थे, कभी मतलब धोती की चीज बच्चे के ब्लाउज पाड़ा गया महिलाओं का, ये कोई ऐसी सरकार है मतलब जो महिलाओं को देख भी नहीं रही है कि आखिर ये महिला है कि नहीं है। और ज़्यादातर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महंगाई को लेकर आप देखा होगा आपने, पेट्रोल को लेकर देख लीजिए कोई सुनवाई नहीं होती है, चाहे आप थाने चली आए महिला चाहे कहीं चली आए खड़ी रहे, उन्हें लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके तो औलाद है नहीं है, ये तो बिना औलाद के बैठे हुए हैं तो ये किसी का दर्द समझेंगे। इसलिए ऐसी सरकार को हमें हटा लेना है, हम लोगों ने महिलाओं ने लेने बनाया है और हमें 2022 में अखिलेश भैया को लाना है। देखिए, आमतौर पर महिलाएं ही घर चलाती हैं, उन्होंने महंगाई के बारे में अच्छे से कहा, कितना अंतर आया है जो पहले के दौर में जो भी घर चलाना होता था और अब काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो क्या क्या अंतर आया है? ये नमस्कार, घर चलाने में क्या अंतर आया है इस महंगाई को देखते हुए? पिछले 1-1.5 साल में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, 1.5 साल पहले घर चलाने में और अब घर चलाने में क्या अंतर आया है? देखिए, 1.5 साल पहले में और अब की स्थिति में बहुत अंतर है। 1.5 साल पहले लोगों के पास रोज़गार था, लेकिन ये कोरोना काल में लोग जो है बेरोज़गार हो गए हैं। बेरोज़गारी के चलते उनके पास इनकम जो थी, बैंक बैलेंस उनका था, वो सब खत्म होने पे आ गया है। अब उनके पास है ही नहीं तो वो घर कैसे चलाएंगे? ऊपर से महंगाई की मार। आप देखिए, जो सिलेंडर कभी 300 रुपये का आता था, आज वो 800 से ऊपर हो गया है, 900 से ऊपर हो गया, अभी 2 दिन पहले ही 75 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं। तो आम आदमी जो कि खाना तो कम से कम खाएगा ही, तो जो आम आदमी है जिसे रोटी के लिए लाले पड़ गए हैं, जो गैस सिलेंडर नहीं ले सकता, तो हम जब बात करते विकास की, वहाँ विकास तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर लोग वापस चूल्हे पर आ गए हैं, तो ये तो विकास नहीं है। तो महंगाई जो है हर क्षेत्र में होती जा रही है, गैस पे भी हो रही है, आप कहीं भी देखिए, जब रोजगार नहीं है तो हर चीज़ महंगी लगेगी और है भी, तो इस पे मेरे ख्याल से कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, महिलाओं को भी भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं भी काफ़ी खिलाफ है, महिलाओं के अंदर भी काफ़ी आक्रोश है महंगाई को लेकर, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं।
उत्तर प्रदेश में लगभग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल 4.5 साल से अधिक हो गया है और आगामी 6-7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रत्येक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। आज हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के कस्बा किराबली में और आज हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी को समर्थित हैं और समाजवादी पार्टी के साथ ही हमेशा रहती हैं और आज उन्होंने साइकिल रैली में भाग लिया। क्या लगता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी? हाँ, बनेगी। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई को लेकर ये कहना है कि जिस सन 2016 से सब गरीबों के हाथ में कटोरा थमाया हुआ है उसके हिसाब से ये सरकार आनी नहीं चाहिए। सारे युवाओं से मेरा यही कहना है कि अब इस सरकार को आना नहीं चाहिए क्योंकि सारी लेडीज़ों ने सारे युवाओं ने बहुत परेशानी उठाई है और पढ़ाई का तो ये हाल है कि सारे बच्चे इस तरह बिगड़ चुके हैं 2 साल के अंदर कि वो ये भी नहीं जानते कि पहले हमने क्या पढ़ा था। ये सरकार है कोई, वैसे कुछ होता है तो कोरोना होता है इनके लिए और वैसे अगर ये कुछ भी करते हैं रैली निकले कुछ होता है इनका तो कोरोना नहीं होता है क्या? सारे लोगों से मेरा यही कहना है कि ये सरकार अब दोबारा नहीं आनी चाहिए। जो महंगाई बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि 2022 में अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो इस महंगाई पर कंट्रोल कर सकती है? पहले से ही मालूम है कि 2022 में जो सरकार आएगी अखिलेश जी की तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सबको ये लोग पता है, तो बस ये कहना चाहूँगी। देखिए, हमने यहाँ पर काफ़ी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और सभी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल सही नहीं रहा है, आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो महंगाई हो या कोई बेरोजगारी की बात हो या कोरोना काल की बात हो। पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अभय चौधरी के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।